नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो फिर है प्रोजेक्ट असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स को लेकर के। यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एक बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाता है और मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है मार्क्स को अपलोड करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पर। हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होंगे उनकी बात करेंगे, बैच क्रिएशन, बैच आईडी और बैच कन्फर्मेशन की बात करेंगे, मार्क्स अपलोडिंग की बात करेंगे, मार्क्स सबमिट करने की बात करेंगे, उनको रिव्यू करने की बात करेंगे, मार्क्स फाइनलाइज करने की, प्रिंटिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट की बात करेंगे और साइनिंग अवार्ड लिस्ट एंड लॉगिंग आउट की बात करेंगे। फिर फाइनलाइजेशन के बाद में कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बार लिंक अवेलेबल हो जाती है तो मैं सबकी सहायता के लिए, सबकी जानकारी के लिए डेमो वीडियो भी बना करके डाल दूंगा। डिटेल्ड स्टेप्स फॉर अपलोडिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट मार्क्स। पहला स्टेप है कि आपको विजिट करना है http://cbse.nic.in जो कि अब चेंज हो गई है, ये हो गई है cbse.gov.in और यहां पर दी हुई होगी प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करने के लिए लिंक। उस लिंक को आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देगी एक नया पेज पर और उस पेज पर जाकर के आपको अपने स्कूल के जो एग्जिस्टिंग एलओसी रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल्स हैं उनके जरिए लॉगिन कर लेना है, जिसके जरिए आपने एलओसी और रजिस्ट्रेशन का डेटा फिल किया था उसके जरिए लॉगिन कर लेना है और वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा मेन मेनू और उस मेन मेनू में कुछ डिटेल्स होंगे जिसमें आपके स्कूल के डिटेल्स भी दिए गए होंगे और कुछ नोटिफिकेशंस होंगे सब्जेक्ट्स के बारे में जिसमें मार्क्स अपलोड किए जा रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स के नोटिफिकेशन होंगे। अब क्या करना है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, आपको सबसे पहले करना है क्रिएट बैच। क्रिएट बैच लिंक को क्लिक करना है, फिर वहां पर जाकर के उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है या जिस सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनर को मार्क्स अपलोड करने हैं। वहां पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं वो डिटेल्स आपको भरनी है। वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के बारे में हो सकती हैं और इंटरनल एग्जामिनर के बारे में हो सकती हैं। इतना डेटा फिलअप करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपने जो इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर की डिटेल्स दी हैं वो सही हैं। यदि वो सही हैं तो फिर आपको क्या करना है, सबमिट बटन को क्लिक कर देना है और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिंक, एक लिस्ट खुल जाएगी पूरी की पूरी, जिसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, ये शो अप हो जाएगी। अगर दिए हुए बच्चों के नाम, रोल नंबर्स वहां पर जो भी दिया हुआ है वो सही है तो आपको क्या करना है, इसको कंफर्म दिस बैच बटन को क्लिक कर देना है। कंफर्म दिस बैच क्लिक करने के साथ साथ आपके सामने एक आईडी निकल करके आ जाएगी, आईडी उभर करके सामने आ जाएगी, बैच आईडी। इस बैच आईडी को नोट कर लेना है, ये बैच आईडी काम आएगी। अब क्या करना है, वापस जाएंगे कहां, गेट बैक टू मेन मेनू, मेन मेनू में वापस चले जाएं और वहां जाकर के आपको अपलोड मार्क्स को क्लिक करना है। अपलोड मार्क्स को क्लिक करेंगे तो जो बैच आईडी आपने पिछले स्टेप में क्रिएट करी है वो ऑटोमेटिकली यहां पर दिखाई पड़ने लगेगी एक ड्रॉप डाउन मेनू में। आपको जिस बैच के मार्क्स को अपलोड करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पर आपको क्या देने होंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर के डिटेल्स एक बार फिर से देने होंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर के डिटेल्स देने के बाद में आपको फिर से सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। नाउ अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द सेलेक्टेड बैच विल कम अप अलोंग विद अ कॉलम टू एंटर मार्क्स। जो आपने बैच क्रिएट किया था उसके स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी और उनके राइट हैंड साइड में एक कॉलम खुल करके आएगा जिसमें आपको उनके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स लिखने होंगे, टाइप करने होंगे, उसको फिल इन कर लेना है। इस बार ध्यान देने की बात यह है कि जो भी मार्क्स हैं उनके पहले आपको जीरो प्रीफिक्स नहीं करना है। नाउ सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया था, बैच बना ही लिया था, मार्क्स आपने एंटर कर दिए हैं। मार्क्स एंटर करने के बाद में आप कंफर्म मत करिए, प्रीव्यू को क्लिक करिए। प्रीव्यू में आपको दिखाई पड़ जाएगा कि आपने कौन से मार्क्स एंटर किए हुए हैं। अगर ये मार्क्स बिल्कुल सही हैं तो हम आगे कंफर्मेशन के लिए बढ़ सकते हैं और अगर ये सही नहीं है तो हम इनमें करेक्शन कर सकते हैं। अभी
एक बात और ध्यान देने की है, जिन स्टूडेंट्स को मिनिमम मार्क्स से कम मिले होंगे, ठीक है, मिनिमम मार्क्स से कम मिले होंगे, उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, उनके मार्क्स का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि इन बच्चों को मिनिमम मार्क्स से कम मिले हैं, वो सही मिले हैं या गलत मिले हैं, एग्जामिनर को डिसाइड करना है। नाउ वंस इफ ऑल द मार्क्स आर फाउंड टू बी करेक्ट, एग्जामिनर्स आगे बढ़ जाएंगे श्योर होने के बाद में और फाइनलाइज मार्क्स को क्लिक कर देंगे, और अगर लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं पर कोई गड़बड़ी मिलती है, तो देन द एग्जामिनर शैल गो फॉर मेक चेंजेस बटन, मेक चेंजेस बटन को क्लिक करेंगे और वहां पर मार्क्स को अपडेट या चेंज कर देंगे। एक बार फिर से आप श्योर हो जाएं, प्रीव्यू कर लें, प्रीव्यू करने के बाद एक बार फिर से श्योर हो जाते हैं, और अगर सही है तो आपको क्या करना है, फाइनलाइज कर देना है मार्क्स को, फाइनलाइज कर देना है। अगर जब जब आप फाइनलाइज मार्क्स बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, एक पॉपअप आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप मार्क्स अभी भी चेंज करना चाहते हैं या कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आप मार्क्स को कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको ओके क्लिक कर देना है, और अगर आपको मार्क्स अभी भी चेंज करने हैं तो आप कैंसिल करके एक बार फिर से मेक चेंजेस में जाकर के मार्क्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने ओके क्लिक कर दिया, यहां पर इस स्टेप में आकर के अगर आपने ओके क्लिक कर दिया, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा और मार्क्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर ऑन। आफ्टर फाइनलाइजेशन आपको क्या करना है, अवार्ड लिस्ट को प्रिंट करना है, तो आप अवार्ड लिस्ट प्रिंट, प्रिंट अवार्ड लिस्ट लिंक को क्लिक करेंगे, एक पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा जिसमें जितनी भी बैचेस आपने क्रिएट किए होंगे उन सबकी बैचेस, बैच आईडीज दिखाई पड़ने लगेंगी। जिस बैच आईडी का आपको प्रिंट लेना है उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे, सो इफ ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट, अवार्ड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिलेक्टेड बैच विल कम अप, यानी आपने अगर एग्जामिनर डिटेल वगैरह सब कुछ दोबारा से अभी सही डाला है तो वो लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब इस लिस्ट के आपको क्या करने हैं, दो प्रिंट आउट्स ले लेने हैं, एक नहीं लेना है, दो प्रिंट आउट ले लेने हैं, और इन दोनों ही लिस्ट को बोथ एग्जामिनर्स यानी इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों के द्वारा ड्यूली साइन किया जाना है। ध्यान देने की बात है, दोनों प्रिंट आउट्स को दोनों ही एग्जामिनर्स, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों प्रॉपरली साइन करेंगे अपनी अप्रोप्रिएट प्लेसेस में, जिनमें से एक कॉपी जो कि ड्यूली साइंड होगी इसको हैंड ओवर कर देना है उस स्कूल के प्रिंसिपल को या हेड को जहां पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, और वो इस लिस्ट को कहां भेज देंगे, रीजनल ऑफिस भेज देंगे अलोंग विद द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स, जो प्रैक्टिकल आंसर बुक्स हैं उनके साथ में रीजनल ऑफिस को भेज देंगे। एक कॉपी जो होगी, दूसरी कॉपी जो बची हुई है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर अपने साथ लेकर के जाएंगे, और वो भी अपने पास नहीं रखेंगे, उसको रीजनल ऑफिस को सीधे भेज देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनर को कुछ नहीं करना, लॉग आउट कर देना है, सिस्टम से लॉग आउट कर देना है। नाउ एक्सटर्नल एग्जामिनर मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या क्या रखना है, बैच क्रिएशन करना है, फिर मार्क्स अपलोडिंग करना है, जनरेटिंग अवार्ड लिस्ट, सीलिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट इन द एनवेलप शुड बी डन बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर, खुद करना है, कोई किसी और से नहीं करवाना है, दोनों ही लिस्ट को जो प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल को हैंड ओवर करनी है और जो उनको डायरेक्ट रीजनल ऑफिस को भेजनी है, उन दोनों को ही अलग अलग लिफाफों में खुद सील करना है। फिर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन, किसी को भी नहीं डिस्क्लोज किए जाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के बीच में रहेगा। द प्रोसेस of starting from batch creation to marks uploading and printing of award list should be completed within 30 minutes. ये एक यहाँ पर clause है कि batch creation से लेकर के printing of award list को 1.5 घंटे के अंदर अंदर कर लेना है। ये एक time limit की window create कर दी गई है, इसका विशेष ध्यान रखना है external examiner को। No change in marks is allowed after finalization and completion of process, so proper attention of both the examiners is required to ensure correctness of subject practical marks uploaded.
बार बार सीबीएसई कह रहा है कि एक बार आप डेटा को फाइनलाइज कर देते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके का करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब उसके लिए उन्होंने पेनल्टी भी लगाई हुई है, जो भी पेनल्टी है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी है, आगे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इन सब सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मार्क्स किसी बच्चे के भविष्य के लिए होते हैं, तो इन मार्क्स को एंटर करने में किसी भी तरीके की लापरवाही हमारी ओर से की गई एक बड़ी लापरवाही होगी। तो प्लीज प्लीज ध्यान से मार्क्स को अपलोड करें और सारी की सारी प्रोसेस को थॉरली, फुल्ली और पूरे ध्यान के साथ ही करें। थैंक यू। इस वीडियो में हमने उन स्टेप्स को देखा जिसके जरिए मार्क्स को अपलोड किया जाना है सीबीएसई की वेबसाइट में। मुझे उम्मीद है कि ये सबके लिए लाभकारी होगा, सबकी मदद कर पाएगा। जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में, सुनते रहें, देखते रहें संग्राम सिंह को, और साथ ही साथ अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करें, हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर वीडियो हेल्प देने की। नमस्कार, जय हिंद।